जा रहा सीधा पढ़ ले अजी ने जा रहा कहते जरा आओ एक मिनट बेटा ये पकड़ो इसमें गुड्डे बिस्किट पैकेट है किसको भी नहीं देना तुझ खाना इसमें कोफ्ते शामिया है खा ले और इसमें मेरे हाथों से बनाए से लड्डुआ है खा ले हा? अम्मी वो पूरे डब्बे मेक के ही कुछ ऑलरेडी बैग फुल हो गया कपड़ों से कहाँ रख लीजिए वो बहुत खुश है ना अपने छोड़ के जा रहा ना तुम नक्को बोले तो वो दूर का अंके हैदराबाद में हॉस्टल में डाले बेटा अंके के सामने तो कितनी खुशी होती मेरी ए खामोश बैठो अरे अम्मी नक्को रो अम्मी पढ़ने जा रहा होने क्या तो अय्याशिया करने जा रहा सजा रोते रहते क्या तो भी है ले रे अपने सवालों को खराब करते सीधा पढ़ लेना अब भी बोल रहा हूँ पढ़ दो पापा मैं तुम्हारा नाम रोशन करके आता हूँ बेटा वो क्या बोलते हैं हॉस्टल को गए बाद मेरे को पहले क्या करना मांगो तू कॉल करना पापा के नंबर पे नहीं तो मेरे नंबर पे कॉल करके मम्मी मैं पहुंच गया बोलते इधर सुकून रहता वहाँ उतरे बाद जाके पहले नाश्ता कर ले शर्माना नहीं हॉस्टल में अच्छा रहा बेटा पहले दूर हॉस्टल में जा रहा खा अच्छा पेट पर हाँ घर समझ के कहा अच्छा नहीं तो अभी खाना पड़ता हॉस्टल को जा रहा ना और रातों में सो गए तो जींस पैंटों पे नको सो जा शाटा वो है डाल ले जरा खुला खुला रहता अरे मैं क्या तो भी जी मैं कहता छोटा बच्चा जी दूध पीते से बच्चा जी मैं नहीं मालूम हाँ का दाल हुई तो भी टिफिन हुई तो भी सुबह रात में डिनर हुई तो भी अच्छा पेट भर का वो कभी हॉल डेस दिए समझो फोन कर दे रहा अम्मी को आ रहा हूँ तुम खामोश बैठो मैं क्या करना नहीं मालूम जी असल कुछ इंटर पढ़ने जा रहा हूँ अम्मी को छोड़ के जा रहा ना तू अरे ले जा रहे तू भी ले जा तेरे वो तुम रुको जी वो क्या बोलते हैं हॉलिडे से जब फोन कर देना वो गंदे सोबत में नको जा कलीज दोस्तान रहे थे अच्छे दोस्तान से रहा और क्या है बोलते फर्स्ट बेंच में बैठ लास्ट बेंचों में नको बैठ वो हॉलिडे कभी मिले बोलते दीवाना कूद रहे थे आजकल पोटे कितने कलीज रहते पोटे दीवाना कूदना ये पूरे नको हॉस्टल में रहना दो साल अच्छा मार्ग ला ले बेटा अच्छा मार्ग नहीं ले तो जान दे पेट भर खा मन बच्चे खिंचे रहते नको देखिए खिंचियों में नको जा बेटा छोड़ के जा रहा जी ए खामोश बैठो जी घर दामाद बन के ससुराल को नहीं जा रहा पढ़ने जा रहा अच्छा खुशी से भेजो कुछ तो बन के काबिल बन के पढ़ के आता देख के जा बेटा घर मांगे बस फोन कर हाँ कभी कभी फोन कर दे रहा मम्मी को आओ तुम भी आओ मेरे साथ बैग ले लेके तुम भी पूरी लगेज ले लेके आओ अपन दोनों रहेंगे हॉस्टल में मैं भी आना मैं भी तेरे साथ हॉस्टल में रहती मैं कौन देख लेते तुम अकेले भी पका ले खा देना जीती बेटे के साथ चले आती मैं अरे तू जा रहे भाई ले देख बाप होके बोल रहा हूँ तू एक साल जा दो साल जा मगर कुछ तो बन के आ रिजल्ट अच्छा आना समझा ना पैसे मैं लगा रहा हूँ तेरे अम्मी नहीं अम्मा पेट के बारे में सोचती रहे मैं तेरे फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ समझ समझा ना रिजल्ट अच्छा आना अम्मी जा रहा हूँ पापा जा रहा हूँ पापा कभी कभी पैसे जरूरत रहे तो भेजो पापा मको भूल जाओ असल कुछ हॉस्टल में रहते अम्मी जा रहा हूँ इनको कान से नहीं सो खाइशा आते रहते मिर्चियां बनाओ वो बनाओ ये बनाओ खाम सोने नहीं देते अजी अम्मी अम्मी शाम में सेवा का बर्थडे है कहते जी पार्टी में बुलाई हूँ मैं जाके आती ना पार्टी है रुको तुम्हारे पापा को और तुम्हारे बड़े मामा को तुम्हारे चाचा को और छोटे मामा को पूछ के बच्चे को बाहर भेजना नक्को बोल के पूछे अगर तुम बोलना हाँ बोल तो जाओ नक्को नहीं बोलती मैं पूछती रुको अम्मी मैं बाहर जा रही इतने लोगों को पूछना अम्मी फिर बच्ची ना तू जरा हम आप भी डर रहे था ना पूछ के बोलती रुको हेलो अजी कहाँ है जी बच्ची शाम में पार्टी में जाती कहते हैं ठीक है भी जाऊं उनके मामा पूछो ना एक बार बड़े मामा को छोटे मामा को साथ में है तो पूछ लो ना भी जाओ बोले हाँ ठीक है जाओ जाओ पापा जाओ बोले और बड़े मामा से बात कर लेते पापा जाओ बोले जा ना अम्मी थैंक यू अम्मी तुम्हारे समझे तुम कैसे बोल गए अम्मी जा ना हाँ ठीक है अम्मी मैं शाम में क्या पहनना कि कपड़े निकाल लेती हाँ
अम्मी मैं रेडी हो गई जा रही। रुको मैं आ रही बेटा। पहुंच जा वहाँ गए बाद में कॉल कर तू। पहुंच गए बोल तो मैं सुकून ना जरा बेटी बच्ची बच्ची बाहर भी जा रही पहले चल। वो रात में नक्को बोल तो पार्टी में जाती बोल रही। अजी अम्मी मैं जा रही सो यहीं चल रही बाजू। ठीक है जा नक्को नहीं बोलती मगर जरा देख के वो गैबत कॉल कर मेरे को। ओके पैसे रख ली ना मैं पैसे दी ना हैंड बैग में पैसे लिपस्टिक लगा ली ना सबसे अच्छी दिखनी ना मेरी बेटी वहाँ गैबत अच्छा तैयार हो और हाँ वो लिपस्टिक लगा लेना मेकअप बॉक्स और वो एक और एक ड्रेस लगा ले नक्को। ठीक है वो पैसे है ना वो ऑटो में बैठे जब दूर दूर बैठ माहौल अच्छा नहीं है मास्क लगा ले है ना मास्क हैंडबैग में सैनिटाइजर है ना हाँ वो दूर दूर बैठ पोटे गली पोटे ऑटो ड्राइवर भी अलग ही अंदर माहौल अच्छा नहीं है किसको भी यकीन नहीं करना किसके ऊपर भी भरोसा नहीं करना जल्दी जल्दी गली में अगर से घुसे हैं जेबा का अगर वो बाजू गली में ना मानू गली में गली पोटे रहते सर नीचे डाल के चलो नको देखो समझे वो हील्स पहन ना सीढ़ियाँ चढ़ते रहो तो देख के छोड़ो एक बोल दो नीचे गिर दो फिर मैं कुछ परेशानी देख मार लगे तो मैं को दर्द होता मान लो ये छतरी ले लो बारिश हुई तो फिर प्रॉब्लम होता ना छतरी ले लो और क्या बोलते अगर से लेट हो गए ना पापा को कॉल करो पापा आके पिकअप कर लेते नहीं भी बहुत लेट हो गया पार्टी वही सो जाओ नको रात में सुबह बेटी ना देख लेना पड़ा हमारा भी थोड़ा डर रहा था ना तेको भी जाने दिल नहीं बोल रहा वो परसों ईद को लिए साड़ी बन लेके मैं भी आऊँ पार्टी में जेबा कुछ भी नहीं समझती अमित खाली दोस्त टाइप जी अम्मी अच्छा नहीं दिखता अम्मी तुम्हारे तो वो केक एक दिए तो दो खा पेट नको सुखा ले पहले तो मेरी बेटी बहुत दुबली हो रही मेरी जैसा हाँ जरा अच्छा खा दावत में गए जब एक केक दिए तो दो केक आप में खा लेना अच्छा लो मैं जाके फोन करती अम्मी जाके आती बाय। अरे रंगा रंगा वाले कौन तो भी है वस्तु बना रहे वीडियो अरे एक बार मिलना इतना से रुको बेटा क्या है अम्मी मैं वो खाला और बड़े पप्पू के साथ जरा बाहर जा गया थी किधर वो चौरस से कुछ फिर बोल दो तेरे बहन का बर्थडे हो रहा आ रही उसको ड्रेस नहीं ले दो बोल के तीसरा डाल ले थी इसलिए जा रही बेटा हाँ ठीक है जाओ अच्छा ड्रेस लो और अलग से देख भूख लगे तो वो फ्रिज में सालन है वो निकाल के गर्म कर लेके खा खाना दिन नहीं बोलता ऑमलेट डाल ले और जरा वो खाना बाहर ही था उसको चिमटियां लगते होंगे उसको भी गर्म कर लेके खाना बेटा। और वो सुन बेटा मैं गैस हो गया मैं आजू बाजू वाले आके थोड़ा चीनी दो ना थोड़ा चाय पत्ती दो ना अरे थोड़ा शक्कर दो ना बोलते अरे हर गीस नको दे तू खाओ उस दरवाजा लेके बैठ तू और वो बहन को भी खाना खाओ बोल इतना मैं तो बाहर गए बोल के दोस्तों को ला लेके नको बेटा सुन रहा ना अम्मी तो मैं चार दिन के वास्ते जा रही अम्मी नहीं ना एक घंटा जा रहे खाली वो भी यार चौरस्ता अब आते ना अम्मी उत्तर सो कहीं को अम्मी अभी एक पबजी गेम डालता तुम आ जाते जाके भी आई बात सक तो क्या है कि सालन गरम करके खाना गरम करके अंडा डाल के मिला के दिया तो खा दो भाई तुम्हें बस छोटा बच्चा दिया तो सो बोलना है जब भाई अच्छा ठीक है फिर मैं जा रही बोलना ना कितना भी ठीक है तो पबजी खेल वो दरवाजा लगा ले कहीं तो भी अच्छा मैं जाके आती एक घंटे में और एक बात बेटा वो तेरे छिटिया ना पूरे सुराखा हुए नारे इज्जत कहीं निकाल रहे अभी तुम अरे उसमें इज्जत की बात क्या है रे कैसे वो पुराने चेडे को सुरागंज हो गए मैं कैसे वो चौरस्ते जा रही नए चेडे में सस्ते में मिलते उसमें शेरमाने की बात क्या है रे हाँ वो रेड कलर ब्लू कलर लाइक तुम लोग के साथ भी हुआ ना ऐसा मालूम मेरे को हुआ तो कमेंट करो पापा जा रहा हूँ जी अच्छा इले पैसे रख ले वो बड़े मामा घर में फंक्शन है तुम्हारे तबियत सही नहीं है पापा काम पे है ना घर से एक गए तो भी जरा खुश होते उल्ला और एक है तो भाई भी आती थी तबियत ठीक रहे तो सलाम बोल मेरा अरे अम्मी अम्मी अरे वो खाली हाथों से गए तो क्या समझते कि क्या तो लेके जाऊं क्या लेके जाऊं जरूरत नहीं है कुछ भी उल्ला क्या तो लाए तू लेके जा रहे तेरे पापा की तबियत खराब हो जब देखने आए मगर एक चीज नहीं लाए ना मौज लाए
ना डबल रोटी की पैकेट लाए, ना फ्रूट्स लाए थोड़े, एक सेब एक कीवी भर के भी नहीं लाए रे कुछ भी। तू क्या लेके जाता? उल्ला को तू लेके जाता? अरे अरे सर आपको बोले थे कुछ तो लेके जाने दो, कैसे भी उल्ला नहीं लाए थे, उल्ला नहीं लाते बोलते अपन भी नहीं लेके जाते क्या? लेके जाओ बेटा क्या एक दो। अरे तुम रहमान हो तुम खामोश बैठो जी। उल्ला कैसे की तुम रहमान हो तुम खामोश बैठो, जरूरत नहीं है क्या खामोश खाली आता। ठीक है ले ले बेटा वैसे तो उधर लेते थे, तू खामोश क्या तो एक लेके जा। अगर मेरे को नहीं मालूम है सर का लेके गया बेटा, तू घर को जाने का देख। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? और वीडियो खतरनाक दिखे तो क्या करना है? लाइक करना। कुप्पा बोलता कुप्पा असले भाई, जब क्या करना है? कमेंट करना। और एक सीन तो भी रिलेट दिखा, एक सीन नहीं हर सीन रिलेट दिखता, जब क्या करना है? शेयर करना। और नीचे लाल बटन दिख रहा ना सब्सक्राइब करो, उसके बाजू में घंटी दिख रही ना कनपट्टी पे खींच के दियो टर्न बल कर नोटिफिकेशन आता सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते। और क्या हुआ भाई अपन फोन में कहीं को शूट कर रहे हैं वीडियो? अरे बैटरी डेड हो गया यार, इसलिए हम लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग फोन में शूट करे, लास्ट छोटा छोटा पार्ट एक फोन में शूट करे। इग्नोर द नॉइस एंड थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगला वीडियो में। और हमारे एक शॉर्ट फिल्म आने वाला है और आप लोग सपोर्ट करते हो इंशाल्लाह, बहुत जल्द शॉर्ट फिल्म आउटपुट बाहर आके हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। बस सपोर्ट चाहिए भाई, जो जो भी सपोर्ट कर रहे हैं हैशटैग सपोर्ट बोल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो एंड वेल दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।